हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भटनेर आईएएस। भटनेर आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन में लेके आए हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्वैट। ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वैट। तो आज हम पढ़ेंगे क्वैट के बारे में, क्वैट क्या है, किस लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वैड क्या है, क्वैड की फुल फॉर्म क्या है। क्वैड हम शॉर्ट फॉर्मली बोल देते हैं क्वैड, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग। ठीक है, क्वाड्रिलेटर सिक्योरिटी डायलॉग, तो क्वाड्रिलेटर का छोटा फॉर्म क्वैड बोल के कर दिया जाता है क्वैड। ठीक है, इसमें चार कंट्रीज हैं, चार बेसिक कंट्री हमारे पास कौन कौन सी हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। ठीक है, ये आइडिया जो था ये किसका था, ये आइडिया था हमारे पास जापानीज, जो हमारे पास फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर थे जिनकी अब डेथ हो रखी है, दैट इज शिंजो अबे, उनका आइडिया था ये। और शिंजो अबे का आइडिया था, लेकिन उस टाइम पे जो है वो ऑस्ट्रेलिया इस चीज के लिए नहीं माना था, क्वाड के लिए नहीं माना था, लेकिन तब से है, मतलब आइडिया तो था ही था। ऑस्ट्रेलिया इसलिए नहीं माना था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चाइना का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। ठीक है, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया उस टाइम पे नहीं माना था। किसका आइडिया था, शिंजो अबे का आइडिया था। 2020 में हमें देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो चाइना के खिलाफ हो गया। क्यों खिलाफ हो गया, क्योंकि ड्यू टू पेंडेमिक, पेंडेमिक के चलते ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो कुछ ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसके चलते जो है वो चाइना के खिलाफ होता नजर आया, तो इनके रिलेशन खराब होते नजर आए, जिनके चलते ये क्वाड की तरफ थोड़ा झुक गया कि क्वाड की तरफ बढ़ जाए। अब क्वैड जो है वो एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है। ठीक है, आपस में परस्पर संबंध रखते हैं ये, जैसे कि कैसे स्ट्रेटेजिक रिलेशन है इनके, अमेरिका जापान के हमारे पास, और साथ ही साथ में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के। ठीक है, तो ये आपस में जो है वो ओशन वाले रीजन में जो है वो एक्टिव रहते हैं, ताकि चाइना का जो बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस है पूरे ओशन में, वो हम उस पर थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। देखिए क्वैड क्यों बना, क्योंकि चाइना जो है आपको पता है बहुत ही ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग वो है, इस यूनिट वाली कंट्री है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चाइना में होती है। अब मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्रेड भी बहुत ज्यादा करेगी। अब ट्रेड के लिए वो समंदरी रास्ते जो है वो बहुत ईजिली उसके लिए अवेल है, और वो हर जगह समुद्र में इंटरफेयर करके बैठा हुआ है। आपने पहले ही भी, मैंने बहुत बार बताया कि हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, चाबहार पोर्ट हो गया, कोई भी ऐसी जगह है जो चाइना नहीं छोड़ती, और इंडिया के सराउंडिंग तो वो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है वो बना रहा है। ठीक है, तो इसके चलते जो है वो चाइना को रोकने के लिए जो है वो क्वैड जो है वो बना है, क्वैड जो है वो फॉर्म हुआ है। बेसिकली क्वैड की फॉर्मेशन इसीलिए हुई थी कि चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस कम कर सके। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल क्या है, इसके प्रिंसिपल सेम है जो यहाँ पे बताया हुआ है कि टू रिड्यूस चाइनाज डोमिनेशन, जो इंडो पैसिफिक रीजन है, जो हमारे पास सी है उसमें चाइना का जो डोमिनेशन है उसे कम करना चाहिए। और क्वैड की जो प्रिंसिपल है उसमें ये मेन ऑब्जेक्टिव इसके ये है कि जो रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर है, मतलब आप कौन से एरिया में जा सकते हो, नेविगेशन कहाँ तक कर सकते हो, आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, उन सब रूल को फॉलो जो है वो किया जाए चाइना के द्वारा, इवन बाकी कंट्रीज के भी द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस ये है कि क्वैड स्ट्रेटेजिकली काउंटर चाइनाज इकोनॉमिक एंड मिलिट्री राइज। सही बात है, इकोनॉमिक मैंने आपको बता दिया कि ट्रेड करता है हर जगह, और मिलिट्री राइज की अपनी मिलिट्री ना बढ़ाए वहां पे, ओशंस में जो है वो मिलिट्री का इंटरफेरेंस ज्यादा ना करें, इसी के चलते क्वैड का फॉर्मेशन हुआ है। इंडिया के लिए इसके लिए क्या है सिग्निफिकेंस है, देखो इंडिया को जो है वो सपोर्ट मिल रहा है चाइना की बढ़ती हुई जो है, ऐसे भी आपको पता है कि इंडिया और चाइना का कन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, 1962 से जो है वो इंडिया का हिमालयन रीजन में चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट है। ठीक है, ऊपर जे एंड के में, नीचे आप आओगे तो यहाँ पे उत्तराखंड और नेपाल वाले बॉर्डर में, फिर डोकलाम हो गया, फिर हमारे पास अरुणाचल प्रदेश, तो हर जगह चाइना का डिस्प्यूट इंडिया के साथ है। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, तो उस पर थोड़ी, मतलब डिस्प्यूट के चलते इंडिया को जो है वो थोड़ी बाकी कंट्रियों से हेल्प मिल जाएगी, तो इसलिए उनको सपोर्ट मिल रहा है। दूसरा क्या बोला है, इंडिया कैन टेक एडवांटेज
एडवांटेज ऑफ नेवल एक्सटेंशन है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में जब देखो, अब यहाँ पे इनकी एक्सरसाइज होती है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएस, इनकी मालाबार एक्सरसाइज है, जिसमें जो है वो क्वाड कंट्री चारों की चारों ने इस बार पार्ट लिया था जब हुई थी ये लास्ट। तो ये जब हो रही है तो इससे चाइना डरेगा, इवन चाइना के जो सपोर्टिंग कंट्री है वो भी, उनके लिए भी ये एक आप हो सकते हो डरने वाली बात है कि इतनी बड़ी कंट्रीज हैं, इतनी बड़ी उनकी नेवल पावर है, तो वो आपस में जो है वो अब तो एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपनी चीजें इंप्रूव कर रहे हैं, तो ये एक चीज अच्छी हो जाती है इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद चाइना का जो एग्रेशन है, ठीक है, आपका पता है कि चाइना का नेचर कैसा है, वो एक कंट्री को पहले पैसे देगा, फिर उस कंट्री को जो है वो आपका अपना गुलाम बना लेगा, उसको उधार के अंदर दे देगा, बिल्कुल डेट जो है वो उस कंट्री के ऊपर आ जाएगा, और जिसके चलते वो पूरी तरह उसको, जैसे अभी हम्बन टोटा पोर्ट को लिया हुआ था, ठीक है, लीज पे लिया हुआ था। तो वही चीज है कि चाइना का जो एग्रेशन है और चाइना का जो एग्रेसिव पॉलिसीज हैं उनके ऊपर कंट्रोल लगाने के लिए बेसिकली जो है वो कोऑर्डिनेशन आपस में बैठती हैं, डिस्कशन करती हैं। इस बार जो है इनका समिट 2022 में कहाँ पे हुआ है, टोक्यो में हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनका पार्ट लिया है, ठीक है, टुकार समिट को जो है उन्होंने एड्रेस किया है। यहाँ पे क्या क्या बातें हुई थी, चाइना और ताइवान के कंफ्लिक्ट को लेके बात हुई है, चाइना और सोलोमन आइलैंड को लेके बात हुई है, यूक्रेन और रशिया वाले मुद्दे पे बात हुई है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल्स को लेके यहाँ पे बात हुई है। नेक्स्ट जो होगा क्वाड का समिट 2023 में वो होगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड का पूरा प्रॉपर और एक्टिव मेंबर जो है वो बन रखा है, तो वहां पे होगा, और क्वाड जो है वो आगे देखेगा कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक जो है वो हम बना सकें, ताकि यहाँ पे रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेड हो, रूल्स के अकॉर्डिंग मिलिट्री आए, तो इसीलिए क्वाड की फॉर्मेशन हुई है। ठीक है, आई होप आपको क्वाड के बारे में सारी चीजें पता चल गई हैं। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू सो मच।